तो जब रोमन रेंस एक बार फिर से स्मैकडाउन के अंदर अपना रिटर्न तो वो करेंगे, अपने साथ अपने दोनों भाई जिमी उसो और जय उसो को लेकर तो आएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात कि करने वाले रोमन रेंस हैं। के रिटर्न डेट क्या होने वाले हैं, रोमन रेंस कब रिटर्न करने वाले हैं, रोमन रेंस जिमी उसो को कब लेकर आने वाले अपने तो साथ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटफ्लिक्स के पोस्टर को देखते हुए। तो हमें पता है रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाला है, और ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये न्यू पोस्टर है मंडे नाइट रॉ का। और यहाँ पर स्मैकडाउन के सुपरस्टार को ज्यादा मेंशन किया गया है, यहाँ पे पूरे सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है। इसका मतलब ये साफ है कि जो रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाला है अगले साल 2025 में, उसके अंदर स्मैकडाउन के भी काफी सारे रेसलर जाने वाले हैं और सोलो सिकोआ भी वहाँ पे जाने वाले हैं। और जब सोलो सिकोआ भी जाएंगे तो भाई रोमन रेंस भी जाएंगे, और मैं शायद से 2025 के अंदर रोमन रेंस की न्यू ब्लड लाइन भी मंडे नाइट रॉ के अंदर जाते हुए दिख सकती है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर के लेटेस्ट फोटो निकल सामने आई है। ब्रॉक लेसनर के साथ एक छोटे फैन है भाई, ब्रॉक लेसनर कितने खतरनाक लुक के अंदर दिख रहे हैं। पीछे आप लोग देखोगे तो ब्रॉक लेसनर की बेटी आपको दिख जाएगी। तो मतलब ब्रॉक लेसनर अपना काफी ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भी पूछ रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न करेंगे, तो शायद रॉयल रंबल 2025 वो जगह हो सकते हैं जहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करें। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जय उसो के बारे में। तो जय उसो ने अपनी न्यू फोटो शेयर करी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उनके हाथों में ब्लू वाली उलाफ वाला है। रेड उलाफ वाले तो देखे, लेकिन जय उसो के पास ब्लू उलाफ वाला है। और जय उसो भी यही बात बताना चाहते हैं कि मैं भी अब बहुत जल्दी ब्लड लाइन के अंदर जाने वाला हूँ, क्योंकि ये उलाफ वाला ब्लड लाइन का ही संकेत है। और क्या स्टोन कोल्ड वर्सेस सीएम पंक का मैच हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर? तो भी रिसेंट टाइम के अंदर सीएम पंक एक इंटरव्यू के अंदर गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने ये बातें बोली है, स्टोन कोल्ड अगर मेरे को फेस करना चाहे तो फेस कर सकता है, मैं उसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ। तो जो अगला साल होने वाला है रेसलमेनिया 41, वहाँ पे भाई स्टोन कोल्ड को काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करा जा रहा है। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि स्टोन कोल्ड आएंगे ही आएंगे रेसलमेनिया 41 के लिए, क्योंकि भाई स्टोन कोल्ड भी खुद को प्रिपेयर करना चालू कर रहे हैं। रेसलमेनिया 41 शायद से बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट हो सकता है, क्योंकि स्टोन कोल्ड वहाँ पे आएंगे तो शायद से सीएम पंक और स्टोन कोल्ड का हमें मैच भी वहाँ पर देखने को मिले। बाकी आप लोग इनका मैच देखना चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट करके सारे लोग जरूर बताना। और मैंने आपको बताया था कि बॉबी लैशली का कॉन्ट्रैक्ट अब WWE से पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है, और बॉबी लैशली बिल्कुल फ्री है। बॉबी लैशली जहाँ मर्जी जाए वहाँ जा सकते हैं, उनको TNA के अंदर जाना हो तो वहाँ भी जा सकते हैं, AEW के अंदर भी जा सकते हैं। तो बॉबी लैशली शायद से AEW के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी WWE से रेसलर्स गए हैं वो AEW के अंदर ही गए हैं। तो वो बॉबी लैशली भी शायद से AEW के अंदर जाते हुए दिख सकते हैं, और ये महीना या फिर अगले महीने आप लोग मान के चलो सितंबर तक बॉबी लैशली AEW के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस और उसोस के बारे में। तो आखिरकार कब रोमन रेंस अपने साथ उसोस को लेकर आ सकते हैं? अभी जो हमने देखा स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस आए थे बहुत गंदे पहले रोमन रेंस, पूरी ब्लड लाइन ने वाट लगा दी रोमन रेंस की, पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया रोमन रेंस का। रोमन रेंस अब WWE से लीव लेने वाले हैं, रोमन रेंस आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। आने वाले स्मैकडाउन के कुछ एपिसोड्स के लिए आप लोग रोमन रेंस को भूल जाओ। रोमन रेंस का रिटर्न हमें सितंबर के अंदर देखने को, 13 सितंबर का वो स्मैकडाउन का एपिसोड बताया जा रहा है जहाँ पे रोमन रेंस एक बार फिर से रिटर्न करेंगे। और जब रोमन रेंस एक बार फिर से आएंगे तो आपको पता ही है रोमन रेंस अकेले तो आने नहीं वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस को पता चल चुका है कि अगर मैं अकेले वापस से जाऊंगा तो वापस बहुत गंदी तरह पिटूंगा। रोमन रेंस जब अगली बार वापस अपना रिटर्न करेंगे 13 स्मैकडाउन के अंदर, तो वो अपने साथ जिमी उसो को लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। पहले रोमन रेंस जिमी उसो को अपने साथ लेकर आएंगे, और फिर जब जिमी उसो आ जाएंगे ब्लड लाइन के अंदर वापस, तब हमें जय उसो भी उनके साथ में देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि जय उसो ने भी अपनी उलाफ वाला के साथ फोटो शेयर करी, तो जय उसो भी हमें जिमी उसो के साथ साथ ब्लड लाइन के अंदर वापस देखने को मिलेंगे। और ऐसे रोमन रेंस अपने फिर से ब्लड लाइन बनाएंगे। रोमन रेंस और उसो जो तीनों ही काफी होंगे बस ब्लड लाइन के लिए, और पूरा हुलिया बिगाड़ेंगे ब्लड लाइन का। कुछ ऐसे रोमन रेंस वापस आएंगे 13 सितंबर के स्मैकडाउन के अंदर, और वहां पर अपनी पूरी ब्लड लाइन को वापस लेकर आएंगे। बाकी भाई ये कुछ अपडेट थे आज के इस वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।